दिल्ली की हिंसा का मामला अब लोकसभा तक पहुंच चुका है। यही नहीं, इस दौरान भाजपा और कांग्रेस के सदस्य भी हिंसक हो गए हैं। सदन में जमकर धक्का मुक्की हुई। दरअसल लोकसभा में विपक्ष ने दिल्ली में हुई हिंसा को मुद्दा बनाकर गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा दिलाने की मांग की है। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दो बार स्थगन के बाद 4 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। सदन में जब दिल्ली हिंसा का मुद्दा उठा तो विपक्ष ने गृह मंत्री इस्तीफा दो के नारे लगाने शुरू कर दिए। यही नहीं, कांग्रेस सदस्यों ने हाथों में पोस्टर लिए थे जिन पर गृह मंत्री इस्तीफा दो, सेव इंडिया, अमित शाह इस्तीफा दो के नारे लिखे थे। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस के सदस्य अपने स्थान से ही नारेबाजी कर रहे थे। भाजपा के संजय जायसवाल के बोलने की जब बारी आई तो भी कांग्रेस के गौरव गोगोई, रवनीत सिंह बिट्टू सांसद के आगे पोस्टर लेकर आ गए और नारेबाजी करने लगे, जिसका भाजपा ने विरोध किया और उन्हें वहां से हटाने की मांग भी की। इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी सदस्यों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस मामले में कांग्रेसी MP राम्या हरिदास ने भाजपा सांसद जसकौर मीणा के खिलाफ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के समक्ष हमला करने की शिकायत दर्ज कराई है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.